देखिए, मैं तो सबसे पहले गांधी परिवार से कहना चाहूँगा, कहाँ गए आपके वो घड़ियाली आंसू? घड़ियाली आंसू ही कहूँगा, जब कांग्रेस सरकार में बलात्कार होता है तो उसकी कोई सुध सुनने वाला नहीं है। वो बेटी अस्पताल में रो रही है, तड़प रही है, तो उसके पास जाने वाला कोई नहीं है कांग्रेस से। लेकिन बोईकांड यूपी में हो जाए, भाजपा शासित प्रदेश में आ जाए, ये लोग सिर पर उठा लेते हैं पूरा देश। घर को बिल्कुल सिनेमा हॉल बना देते हैं, जहाँ भी घटना होती है वो गांव और घर सिनेमा हॉल बन जाता है। हर नेता बारी बारी से अपना टिकट कटा के जाता है और बढ़िया आ जाता है। भाजपा को सभी पहुंच गए थे कठुआ में, आपने देखा क्या हुआ? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हार्ड ड्रेस में आप पहुंच सकते हो तो झारखंड कितना दूर है दिल्ली से, बिहार कितना दूर है दिल्ली से। भाई जब जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ वहाँ तो आप क्राइम को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हो, ना संवेदना दिखा पा रहे हो। भाई क्राइम कंट्रोल नहीं कर रहे वो एक अलग मैटर है, सिस्टम का मैटर। आप नेता हो, आप जाओ ना, संवेदना दिखाओ ना। कहाँ संवेदना क्यों रुक रही है आपकी? क्या हिंदू कम्युनिटी आपके लिए वोट नहीं दी 70 साल तक? क्या हिंदुओं ने आपको वोट नहीं दिया? क्या आप मुस्लिम वोट बैंक को ही अपना वोट बैंक मानते हैं? शर्म आनी चाहिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को। ये तो लव जिहाद चल रहा है, क्या वजह दिखाई दे रही है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र आपको लग रहा है? षड्यंत्र बहुसंख्यक समुदाय को षड्यंत्र के मुताबिक ही तो ये सब हो रहा है। अगर लड़का है तो गला काट दो, लड़की है तो बलात्कार कर दो, अगर बलात्कार नहीं कर पाओ तो पेट्रोल डाल के आग लगा दो। लेकिन बहुसंख्यक समुदाय है कि सेकुलरिज्म का बुरका ओढ़ के डाला हुआ है अपने चेहरे पे। ये सेकुलरिज्म का बुरका जब तक हिंदू समुदाय के नौजवानों पे पड़ा रहेगा तब तक हिंदुत्व का भला नहीं होने वाला। ऐसे ही बहू बेटियाँ नुचती रहेंगी और गले कटते रहेंगे। क्या लगता है आरोपी का पता भी लग गया भाई, किसने किया है? क्या लगता है सजा मिल पाएगी इतनी जल्दी, क्योंकि आपने भी देखा क्या होता है यहाँ पे? मैं तो कह रहा हूँ सजा तो इतनी भयानक मिलना चाहिए, दूसरा बंदा ये सोचे ही ना इस तरह का घटना करने का। ऐसे बंदों को चौराहे पे ला के ही पेट्रोल डाल के आग लगा देनी चाहिए। मैं तो वही कानून मानता हूँ, सजा देनी है तो ऐसा दो कि अगली बार हजार बार बंदा सोचे कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ क्या असर होगा मेरा। लेकिन सजा मिलती कहाँ है? वही तो कह रहा हूँ, कानून लाने की जरूरत है ना। बेटी आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा तो देते हो लेकिन उस पर काम नहीं करते हो। मुकोटावादी इस देश की, चाहे केंद्र सरकार को देख लो चाहे राज्य सरकार को, अगर बेटियों का मामला उठाया जाए तो हर सरकार निकम्मी है। केवल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मतलब क्या है? बचा पा रहे हो बेटियाँ? दरिंदे हर गली में नोच रहे हैं बेटियों को, और बेटियों को भी थोड़ा समय ना होगा, एक विशेष किस्म के जानवरों से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन सेकुलरिज्म का तो बुरका कुछ कुछ लड़कियों ने भी डाल रखा है, कितना भी समझा उनके चेहरे से बुरका उतरता नहीं है। बुरका तब उतरता है जब वो 3 तलाक की प्रताड़ना का शिकार बनती हैं। बुरका तब उतरता है जब उनको जिंदा जला दिया जाता है। बुरका तब उतरता है जब उनको बलात्कार करने के बाद तलाक 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 कह दिया जाता है। जब घटना करने वाला कोई या आतंकवादी हो, हिंदू होता है तो उसका तो नाम चला दिया जाता है, लेकिन अगर मुस्लिम होता है उसका नाम नहीं चला जाता। टुडे जो शाहरुख है उसको अभिषेक कह के चलाता है कि भाई अभिषेक ने काम किया। अरे इंडिया कोई न्यूज एजेंसी है क्या? मुस्लिमिस्तान है, मुस्लिमों के फेवर में न्यूज चलाता है इंडिया। अफगानिस्तान के पक्ष में, तालिबान के पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में न्यूज़ दिखाता है। इसको तो बैन कर देना चाहिए ऐसे को जो गलत बहम फैला रहे हैं। क्या सारे क्राइम हिंदुओं के नाम थोप दोगे? ऐसे ही कसाब का भी क्राइम आप हिंदुओं के ऊपर थोपना चाह रहे थे, प्रज्ञा ठाकुर का क्राइम आप हिंदुओं के ऊपर थोपना चाह रहे थे। अगर मोदी सरकार 2014 में नहीं आती तो क्या प्रज्ञा ठाकुर जैसी महिला जेल से बाहर निकल पाती? लेकिन सर सवाल ये बनता है कि अंकिता जैसी लड़की ऐसे कब तक शिकार होती रहेगी? मैंने क्या कहा? जब तक लड़कियां खुद से जागरूक नहीं होंगी, जब तक लड़कियों के घर वाले जागरूक नहीं होंगे, हमारी बेटी कहाँ पढ़ने जा रही है, किसके साथ घूम रही है, क्या कर रही है, तब तक हमें तो अपनी तरफ से तो क्राइम रोकना ही पड़ेगा ना। सरकार का रोल तो सबसे बाद में आएगा, परिवार का रोल सबसे पहले आता है। बेटियों को आप बाहर पढ़ने भेज तो देते हैं लेकिन खोज खबर नहीं रखते कौन लड़का फॉलो कर। तो प्रपोजल ठुकरा दिया गया था उसके बावजूद भी उसको जला दिया गया। अंकिता की बात है तो अंकिता के क्राइम पे तो एक कठोर कार्रवाई बनती है। मैं तो कह ही रहा हूँ, अगर रांची का लड़का है, झारखंड का लड़का है, मुस्लिम का लड़का हो, चाहे हिंदू का भी लड़का होता, तो बीच चौराहे पे लाके जला देना चाहिए था पेट्रोल डाल के। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री पार्टी कर रहे हैं, वहाँ के नेता पार्टी कर रहे हैं। अरे नेताओं को किसी की अस्मत से, किसी बेटी की इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक कुर्सी के दलाल बन गए हैं। इन्हें इन्हें मतलब
होता भी नहीं है, हमारे राज्य में क्राइम हो रहा है, हमारी सिटी में क्राइम हो रहा है, उन्हें तो कुर्सी मिल जाए। झारखंड का अगर मुख्यमंत्री हंसता है, पार्टियां कर रहा है, तो उससे बड़ा बेशरम नालायक मुख्यमंत्री नहीं हो सकता जो अपने ही राज्य की बेटी को पेट्रोल में जला देने वाले क्राइम पे मौन बैठा हुआ है। क्या बोले अब ऐसे आदमी पे, तो क्या लग रहा है इंसान मिल पाएगा? पीएफआई का एजेंट बन चुका है, पीएफआई का। आप बोल रहे हैं ना बेटियां क्यों जल रही हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे देश में जो एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था ना इन्होंने, जो एक्सीडेंटली रिलीज हो गया उनसे, वो पुलिस की ईडी ने जब वहाँ पे छापा मारा वहाँ पर पंजाब पुलिस की तरफ से, जब पूरा इस्लामीकरण करने का वहाँ पे आ गया झारखंड बिहार, जो ये इन्हीं राज्यों में वो ज़्यादा एक्टिव है, या साउथ वाली साइड वहीं पे एक्टिव ज़्यादा है, कहीं ना कहीं क्या है, हिंदुओं को मारो, उनकी बेटियों को लव जिहाद में फंसा कर अपने बस में करो, दलितों के साथ, दलितों को अंबेडकर के नाम पर अपने साथ जोड़ो और उनका कन्वर्जन कर अपने साथ जोड़ कर क्या करो, उनको कन्वर्ट कर दो, फिर हम देखेंगे हमारे पास 10% भी आ जाते हैं, कौन 10% भी मुसलमान अगर जुड़ जाते हैं, साथ में ये दलित जुड़ जाते हैं, तो क्या होगा, देश इस्लामीकरण हो जाएगा। 2047 में इस्लामीकरण हो गया। अब मुझे ये बताइए, ये कोई एक केस था? अभी निकिता तोमर यहाँ पे, कई ऐसे प्रिया, कितनी लड़कियों के साथ, यही वारदात हुई नहीं, किसका बना, ये प्यार है? मुझे एक चीज बताइए, प्यार की परिभाषा ये है, मानते कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे देश की जो व्यवस्था है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि जुर्म साबित हो जाता है, गुनाह कबूल कर लिया जाता है, उसके बाद सालों साल केस चलता है, फांसी नहीं होती, फास्ट ट्रैक नहीं चलता। देखिए दामनी का एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख, ये कहने की बातें हैं, इन्होंने बड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है फलाना, जो मीडिया में हाईलाइट हो गया, जो मीडिया में हाईलाइट हो गया, उनको शायद थोड़ी सी तवज्जो मिल जाए, वो शायद महीने, एक साल में, दो साल में उसको सजा हो जाए, मगर लाखों केस ऐसे हैं जो मीडिया में आ ही नहीं पाते, उनको SHO तक, वहाँ का SHO जो होगा ना, एक मिनट रुकना, वहाँ का SHO होगा ना, उसको भी ऊपर से डायरेक्शन इस तरह से होगी कि भाई साहब ये रेप वाले क्राइम जो है ना, ये ज़्यादा नहीं हमने करने, फिर क्या करता है कोर्ट, वो कोर्ट में जाना पड़ता है लड़की को, लड़की वहाँ से डायरेक्शन लेकर आती है, कई ऐसे केसेस में वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाते हैं, ये हमारी इस देश की न्याय व्यवस्था कसाब अफजल जैसे आतंकियों के लिए आधी रात को खुल सकती है, लेकिन बेटी को न्याय दिलाने के लिए 10-10 साल तक चलती है। जब तक ये न्याय व्यवस्था नहीं सुधरेगी, बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। अगर न्याय व्यवस्था ऐसे ही करती रही, आम लोगों के लिए बिल्कुल निम्न दर्जे की सोच रखती रही, तो आम नागरिक खुद से न्याय पाने के लिए रोड पे आ जाएगा, एक समय ऐसा आएगा, फिर न्याय पाने के लिए भागेगा नहीं, ऐसे आतंकियों को पकड़ेगा और आग लगा देगा। एक तरफ ये लोग सरकार से जुदा के नारे लगाते हैं अगर इनके धर्म के बारे में कोई कह देता, एक तरफ ये लड़कियों को जिंदा जला रहे हैं, खुलेआम गले काट रहे हैं, तब कोई नहीं कहता कि सरतन से जुदा। भाई मैं तो यही तो कह रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारे नबी ने सही शिक्षा दी है, तो तुम एक जो बलात्कार करने की कोशिश किया, जो इनकार करने में पेट्रोल डाल दिया एक लड़की के ऊपर, उस लड़के का सरतन से जुदा क्यों नहीं कर देते? क्या आपने के नबी शिक्षा दे रहे हैं क्या? ऐसी नहीं दे रहे ना, जब नबी सही शिक्षा दे रहे होते तो इस लड़के के विरोध में भी आज सरतन से जुदा का नारा लगा रहे होते, लेकिन इन्हें नहीं, नबी की इज्जत केवल नबी तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन इनका ये नहीं पता कि हर घर में इनके आतंकी पल रहा, बलात्कारी पल रहा, तो उनके विरोध में ये आवाज बुलंद नहीं करेंगे? अगर ये आवाज बुलंद कर रहे होते तो किसकी मजाले नबी के खिलाफ एक शब्द बोल देते? इनके धर्म में सही शिक्षा दी जा रही होती, कौन इनके धर्म के खिलाफ आवाज उठाता? तो जिस तरीके से लोग क्राइम करते हैं उसके बाद कोई पछतावा नहीं होता, आपको नहीं लगता इनको लगता है छूट जाएंगे क्योंकि बड़े बड़े उलेमा है, बड़े बड़े वो है, वो उनका केस लड़े ना? जब आपके धर्म गुरु आपका साथ दे रहे होते हैं, आपके खिलाफ नहीं बोल रहे होते हैं, जब आपके मौलाना मस्जिद से नबी के गुस्ताखी में तो सर तन से जुदा का नारा लगा देंगे, लेकिन एक लड़की के बलात्कार पे अपने ही कौम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, अपने कौम को सही से शिक्षा देने के लिए खड़े नहीं होते? तभी तो ये हाल है कि आज हम जैसे लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को इनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाईचारा गंगा जमुना तहजीब नहीं है भाईचारा। भाईचारा होता तो सनातनी लोग लड़की के पक्ष में आज आंदोलन करने के लिए बाहर नहीं आते, मुस्लिम पक्ष के लोग ही मुस्लिम के खिलाफ खड़े होते अगर इनमें भाईचारा होता तो। इनमें भाईचारा नहीं है, इनके खून में भाईचारा नहीं है, बहुसंख्यक समुदाय को चारा समझ रहे हैं आज इस देश में। तो जैसे पीएफआई पर भी खुलासा हुआ,
होता पीएफआई की साजिश थी कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना। क्या ऐसे मुद्दा चल रहा है कि इस तरीके से लड़कियों को लव जिहाद में फंसाना है 2047 तक, ऐसे जो मानेगी ठीक है, जो नहीं मानेगी उसको जिंदा जला दिया जाएगा। भाई जैसा खाओगे ना वैसा होगा मन। दिन रात आप गौ माता का भक्षण कर रहे हो, दिन रात आप जानवरों को खा रहे हो, तो आप तो ऐसी बात करोगे ही ना भाई। जो जैसा खाएगा वैसी सोच रखता है आज के दौर। कोई सनातनी ये नहीं कहता कि मैं अफगानिस्तान पे कब्जा कर लूंगा, मैं पाकिस्तान पे कब्जा कर लूंगा, लेकिन ये अफगानिस्तान पाकिस्तान और तालिबान में बैठ के भी अभी भी यही कहते हैं कि हिंदुस्तान पे हम कब्जा करेंगे। भाई हिंदुस्तान से आप अलग हुए हो, हिंदुस्तान ने आपको अपना हिस्सा दिया, आपको अपना हक दिया, तो रहो ना शांति से। अब क्यों उंगली कर रहे हो? जब उंगली कर रहे हो तो फिर मुँह पे भी खाओगे और खाना पड़ेगी। आने वाला समय बता देगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश मिला के अखंड भारत का निर्माण होगा। क्या लगता अगर यही घटना किसी दूसरे समुदाय के साथ होते और करने वाला हिंदू होता तो क्या इसी तरीके से अब तक सन्नाटा होता? अरे सेकुलर बिल्ली नोच खा रही होती दिल्ली को। जितनी भी सेकुलर बिल्ली हैं, जितने भी सेकुलर एनजीओ हैं, ये सब दिल्ली आके ड्रामाबाजी कर रहे होते ना ड्रामाबाजी, और नोच रहे होते संसद को, विधानसभा को और दिल्ली को। लेकिन आज एक हिंदू लड़की के साथ ऐसा क्राइम हुआ तो हिंदू लड़की के पक्ष में लोग खड़े नहीं हो रहे। शर्म आना चाहिए गांधी परिवार को, कांग्रेस को। वो तो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, चुनाव में नारा भी दिया। हाँ अब लड़की लड़ रही थी अस्पताल में, क्यों नहीं गई आप? मैं तो कह रहा हूँ प्रियंका गांधी वाड्रा से कि जाओ ना, वो लड़की जो मर गई अस्पताल में आपका इंतजार करते करते, आप क्यों नहीं गई? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या कांग्रेस के लिए ही लड़ती रहेंगी, क्या देश की लड़कियों के लिए भी लड़ने के लिए कभी रोड पे आएंगी? बस।